बहुत प्यारा है दद्दू। आसमान लोगों को सारे आज शॉर्ट्स ही दिखाने हैं, कुछ और नहीं दिखाना बताना यार। लोग दिस इज सो ब्यूटीफुल आज यार, आई कैन नॉट बस आई हैव नो वर्ड्स दद्दू, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर ट्रीज देखो समर्स आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है समर्स। ये दद्दू का व्लॉग शूट हो रहा है मेरे हाथों यार, ये बस समझ मेरे प्यारे हाथों से हसन नवाज का व्लॉग शूट हो रहा है। हाँ तो इसी के प्यारे नहीं है Shut up. यार इतना प्यारा ग्रास देखा है कभी? देखो यार आप लोगों ने माइंड बिल्कुल नहीं करना, जब ये छोटी थी ना ये बिस्तर से गिर गई थी तो उसके सर पर लगी है चोट, इसकी वजह से ये ना कुछ सोच सकती है ना सही तरह बोल सकती है। तो फ्लावर्स आए हैं। ओ यार वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। फैंस को मिल लो जाओ यार। ये इसके फैंस आ जाते हैं और ये हमें छोड़ देते हैं। यार फैंस नहीं है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरी फैमिली है। ठीक है वो तुम्हारी फैमिली हो गए को तो पता नहीं क्या, या तो मोबाइल गिरेगी या खुद गिरेगी। खुद गिर गई तो मसला नहीं है, मोबाइल गिर गया तो मसला हो जाएगा यार। वसीम एंजॉय कर, नेचर एंजॉय कर। ये हमारी मैडम ना हर दूसरी जगह रुक जाती है, यहाँ खड़े हो जाओ नेचर एंजॉय करो। मजाक कर रही हूँ वैसे, आप लोग मजाक। ये देखो ना वैसे नहीं, नहीं यार ऐसे बहुत प्यारी जगह बहुत। दद्दू को कौन सी नजम थी अपनी? डैफोडिल। डैफोडिल वो कहता है कि हवा आ रही है और हवा आ रही है, वसीम हसन आ रहा है, साया हो गया है। शायद आप लोगों को ना पता हो वसीम हसन माय नेम ने पहले यूट्यूब चैनल बनाया था अपना, तो वसीम हसन माय नेम करो व्लॉगिंग। क्या करनी है तू कर, इसी वजह से तो मैंने छोड़ दी है व्लॉगिंग। इसी वजह से छोड़ दी तूने? कंपटीशन ना हो भाई को। हाँ इसीलिए मैंने कहा दद्दू बन जाए यही हमारे लिए बहुत है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। इतने तुमने क्लिप्स ले ली है ना हदी का, तो खुदा का खौफ करो, तो पीछे बंदा बोल भी लेता है कुछ कर भी लेता है, और मैं कैसे सारे क्लिप ही चलाऊंगा। तो यार वसीम वाकई गाड़ी में लड़की थी मुझे ऐसे देख रही थी, यहाँ से देखते देखते गई हाथ चली गई है। ये बातें क्यों नहीं करती, देखती क्यों है बस? जबान आती है तुझे दाद बनी माए और उसकी अधीन बहुत रिश तेरी प्यार। दद्दू क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर खुलवाने आए हैं वसीम हसन माय नेम का अकाउंट बैंक में। मैंने मेरे खिलाफ तक बताया ना बैंक अकाउंट कैसे खुलता है। ओ यार चलो खैर कोई नहीं, किसी वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। यार आपको ना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और आप यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो बैंक में। सारी डिटेल्स आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी जो मोजना है ना हमारी, जिसने अकाउंट खोलना है वो गई हुई है वाशरूम, जैसे वो आती है 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में लाएंगे अकाउंट खोल जाएगा। ठीक है वसीम हसन? वसीम हसन आजकल ना ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, वो बाद में आपको बाद में बताएंगे किसी अच्छे दिन किसी अच्छे व्लॉग में। ये गार्डमैन सिक्योरिटी गार्ड तो सही तरह टिक के तो वीडियो बना ले कोई ये गद्दी। यार आज हमारी एक क्लास थी तो वो हो गई है, वसीम हसन का बैंक अकाउंट भी खुल गया। लेकिन यार एक मसला आ गया, वो मसला ये कि उनके पैसे हैं ना वो इंक्रीज कर दिए, पहले था 100 अब 1000 कर दिया। तो इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पता लगा के ना कौन से बैंक में कितने पैसे हैं, उसे कितने चार्जेस हैं, बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए भी या नहीं खुलवाना चाहिए, वो ज़रा थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लो, कोई बात नहीं। बाकी इतना प्यारा मौसम है यार, पता तो लगेगा होगा अब तक आपको। और क्या करें, जाकर फ्लैट पर सीधा लेटेंगे, मोबाइल शोबाइल चलाएंगे, ज़िंदगी अपनी बर्बाद करेंगे और क्या। हालांकि मतलब बाहर निकलना चाहिए मेरा ख्याल है, लेकिन यार देखते हैं देखते हैं। अगर दिल किया ना, मैं दिल तो कर रहा है, लेकिन अगर वो हुआ ना एक अंदर से अर्ज हुई कि भाई निकल जा चल चल, तो फिर जाएंगे, वरना कल ही वलित हो जाते हैं जाके यार। तो यार ये है मेरा 100वां व्लॉग, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने 100 वीडियोस नहीं व्लॉग किस तरह मैंने प्रोड्यूस कर लिए। एक्चुअली मैंने व्लॉग जो है ना तकरीबन 106 बनाए, मुझे आज तक याद है। मैंने 4 व्लॉग जो है वो मैंने डिलीट किए हैं क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं आया, मैंने कहा चलो ठीक है डिलीट कर दो। और मेरे चैनल पर 104 वीडियोज़ हो गई हैं, जिसमें से 3 शॉर्ट हैं और एक स्केच वीडियो है। अब ये बात करने का मकसद क्या है यार? देखो मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई मतलब व्यूज़ मेरे आ रहे हैं नहीं आ रहे, लाइक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। हाँ जब आते हैं अच्छे लगते हैं, ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ना आए, मैं क्यों बना रहा हूँ, मतलब व्यूज़ के लिए जाहिर बात है व्यूज़ से बंदे को चाहिए। लेकिन अगर ना भी आए ना तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है खास, मुझे मसला आ जाए मेरी जो चाहत है वो ये है कि मैं वीडियोज़ प्रोड्यूस करूँ, मतलब कि रोज़ाना के एक बेसिस पर ना वीडियो बनाऊँ, सिर्फ व्लॉग नहीं। मतलब यार मेरे जहन में इस वक्त मतलब इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, ये जो पढ़ाई है ना इसके अलावा, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ मैं कंप्रोमाइज़ कर जाता हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए व्लॉगिंग के मामले में अगर कंपेयर किया जाए। तो यार इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे जहन में चल रही हैं ना, मतलब मैं फूड व्लॉग करना चाहता हूँ, बस
करता बनते नहीं है, चैलेंजेस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई सोशल एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग पर सारी बात चलते रहेगा साथ के साथ, फिर इंफोटेनमेंट वीडियोज़ जो मैंने चलाई हुई है वो, फिर स्टडी रिलेटेड जो वीडियोज़ होती हैं वो, मतलब ये मैं बनाना चाह रहा हूँ सब के सब, लेकिन टाइम नहीं है या फिर आप समझ लो ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस करना पड़ेगा ऐसा ऐसा, इसको स्लोली स्लोली कुक करना पड़ेगा। कुक से याद आया, भूख लगी यार, बहुत भूख लगी। देखो अक्सर लोग बोलते हैं यार तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा नहीं बनेगा, तू छोड़ दे यूट्यूब वीडियो क्यों। अब यार अब मैं घर पे आया हूँ ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेला बैठा हूँ मोबाइल चला रहा हूँ। अब अगर मैं इस तरह बात करके कैमरे से ही बात करके उसको अपलोड कर दूँ तो उनमें क्या हर्ज है, कोई हर्ज है नहीं। हाँ जब तक मेरी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ होगा जहाँ पर ज़्यादा, तो फिर मैं मानता हूँ कि भाई मुझे व्लॉगिंग छोड़ के पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे छोड़नी चाहिए। और चाहे इस पर व्यू 2 आए 3 आए 4 आए जो मर्जी हो, आई डोंट केयर। लाइक अगर ज़्यादा आते हैं तो अच्छा लगता है बिल्कुल, लेकिन नहीं कम भी होते हैं तो कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है बंदा गुजारा कर लेते हैं, हो जाते हैं। बड़ी चीज़ की जो शुरुआत है ना वो छोटे लेवल से होती है, छोटे लेवल से, ठीक है। मैंने 4-5 बातें विषय बोली है ना कि फूड ब्लॉग कोलैप्स और उसके बाद अपना चैलेंजेस एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी इंशाल्लाह ताला आएंगी। आप लोग बस साथ रहिएगा मेरे, ठीक है ना। मुझे बस 3 से 4 लोग ऐसे चाहिए कि भाई जान जो कहें आप अच्छे हो तो बस काम कर ला बिड़ो, बस 4 लोग चाहिए ऐसे जो मुझे ये कहें बस, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग मुझे मिल चुके हैं अब तक। मैं सोच रहा था कि हम बाहर जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप जो है ना वो तेज़ हो गई है, अंदर चला हुआ एसी, तो मैंने कहा अंदर जाकर एसी में इससे पहले कि मैं सो जाऊँ मैं ज़रा ये बात आपसे कर लूँ। मैं यूट्यूब पर तो रेगुलर व्लॉग अपलोड कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने ना फेसबुक पे अपलोडिंग शुरू कर दी है रेगुलरली, मतलब यही व्लॉग्स होते हैं, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो है 12 बजे, रोज़ाना जो है वो 12 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप लोग फेसबुक पर भी जाके देख सकते हो, हसन दे व्लॉग नाम चैनल का सेम ही है। इंस्टाग्राम पर भी जो है ना वो चीज़ें मतलब रेगुलर बेसिस पर की जाएँ। और दूसरी बात ये कि स्टडी जो है ना वो उसको भी कुछ ना कुछ करना है, अब वो मैं दिखाया भी करूँगा आपको ज़्यादा, ठीक है ना। साथ साथ मतलब ये पढ़ते बहुत कम है, खैर वो अलग बात मानता हूँ मैं, लेकिन अब से पढ़ूंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी, ये चीज़ें भी साथ साथ आप लेकर चलेंगे। तो इंस्टाग्राम पर जो है ना वो आप फॉलो कर लेंगे, आगे फॉलो कर लो प्लीज़, देख लो यार इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ जो कंटेंट आएगा ना भाईजान वहाँ ये नहीं आएगा, वहाँ व्लॉग नहीं आएंगे, वहाँ पर होगी मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट की वीडियो और उसमें हम वार्तालाप करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी मेरा गला हो रहा है खुश्क इससे पहले कि मुझे लग जाए रोज़ा, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। इंस्टाग्राम की आईडी क्या है अपना, IMHASAN420 IM Hasan 420, ओके जाके फॉलो। अभी अगर मुझे नज़र ना आए, अल्लाह करे आपको सख्त गर्मी में रोज़ा लग रहा है।